वराह मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अनाजी चौहान द्वारा बनवाया गया था और ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। मंदिर को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था और फिर 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पुष्कर बस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर और पुष्कर झील से 600 मीटर की दूरी पर वराह मंदिर राजस्थान के पुष्कर शहर में स्थित सबसे बड़े प्राचीन और सबसे बड़े मंदिरों में एक है। ये एक वैष्णव मंदिर है और पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से मुख्य है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद को एक जंगली सुअर में बदल लिया और राक्षस हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी पर आए जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला था। वराह ने राक्षस को मार डाला और पृथ्वी को समुद्र से पुनः प्राप्त किया। उसे अपने दांतों पर उठाया और भूदेवी को ब्रह्मांड में उसके स्थान पर पुनर्स्थापित किया। ये पुष्कर में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। ये पुष्कर में एक किलेबंद मंदिर है और शहर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वराह की 2 फीट की सफ़ेद मूर्ति है। मंदिर के भीतर विभिन्न मूर्तियां, सुंदर नक्काशी, द्वारपालों की आदमकद मूर्तियां और पौराणिक पक्षी गरुड़ को दर्शाने वाले सोने के आकार के खंभे स्थित हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते तो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं।